बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मैं इस वक्त अहसन हामिद दुरानी के साथ हूं और अहसन मेरे पुराने दोस्त हैं, स्टूडेंट भी हैं और इस वक्त ये पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक में काम कर रहे हैं। और अहसन को हमने इनवाइट किया है टू डिस्कस यूथ इंक्लूसिव पब्लिक पॉलिसी, उसकी क्या अहमियत है और उसके क्या एवेन्यूज़ हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स में। अहसन, व्हाट इज़ बेसिकली यूथ इंक्लूसिव पब्लिक पॉलिसी? Thank you very much, sir, for giving me the opportunity. Or first of all, I would like to congratulate you for launching such awesome initiative. Or this was much needed, khas taur pe acknowledging the role of YouTube and social media to disseminate knowledge. Yes. So coming back to your topic, ke youth inclusive policy making kyun important hai aur ye hai kya? So sir, is waqt ek global ek pattern chal raha hai, ek trend chal raha hai ki jisme young logo ko chance diya ja raha hai ki unhe policy making table ke upar mauka diya jaye. कि उनके व्यूज और उनके पर्सपेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए पॉलिसी मेकिंग के अंदर। और इसकी जरूरत इस वजह से महसूस की गई है कि जो द इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फेस्ड विद, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक। और ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके स्कोप से ये चीज बाहर निकल गई है और वो चाह रहे हैं कि यंग लोग आए और फ्रेश आइडियाज लेकर आए। मकसद ये कि फ्रेश आइडियाज हो, फ्रेश आइडियाज हो, डिसरप्टिव हो, जो इनोवेटिव, यूथ सेंट्रिक हो, यूथ सेंट्रिक हो। और जो क्योंकि दीज पॉलिसीज आर बेसिकली फॉर्मुलेटेड फॉर द फ्यूचर ऑफ दीज यंगस्टर्स, तो अगर इनकी से होगी इन पॉलिसीज में तो ये इसकी ओनरशिप लेंगे आगे जाकर। लेकिन पाकिस्तान के केस में अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में इट्स वेरी नेसेंट स्टेज पे है। बिल्कुल ठीक। और एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा और अभी एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है इसके लिए। ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत ज्यादा इसमें वो है, रिलक्टेंट है, जिजक फील करते हैं। पॉलिटिशियंस भी करते हैं, पॉलिटिशियंस में कुछ हद तक एक विल है करने की, यानी पॉलिटिशियंस भी तो है। मैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो यंग पॉलिटिशियंस ज्यादा रिलक्टेंट। अच्छा, यस। ये व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट? इसके आई डोंट नो क्या साइकोलॉजिकल कोई उनकी अपनी एंजाइटीज हैं या कोई फेयर्स हैं कि उन्हें ना रिप्लेस किया जाए। ये दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जो फील किया है। ठीक। लेकिन पॉलिटिशियंस में थोड़ी सी वो है, विल है, क्योंकि वो स्लोगन्स उन्होंने पॉलिटिकल जो मंत्रास और स्लोगन्स यूथ के लगाए होते हैं तो उनको भी उन्होंने बैकअप करना होता है। लेकिन ओवरऑल ये इसका लैंडस्केप है। ठीक। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में खासतौर पर कौन सी खास पॉलिसीज हैं जो यूथ इंक्लूसिव प्राइमरी लेवल पे होनी चाहिए, वो कौन सी है आपके ख्याल? सबसे पहले तो जो हमारी यूथ पॉलिसीज, जो प्रोविंशियल यूथ पॉलिसीज है, एक हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी थी जो कि फिर जो हमारी 18 अमेंडमेंट के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई है पावर्स की, तो उसके बाद फिर प्रोविंशियल यूथ पॉलिसीज बनी। 2016 में खैबर पख्तूनख्वा की यूथ पॉलिसी बनी, उससे पहले 15 या 14 में पंजाब की बनी थी, फिर सिंध की यूथ पॉलिसी अभी रिसेंटली आई है एक साल दो पहले। बलूचिस्तान ने अभी तक अपनी यूथ पॉलिसी नहीं बनाई। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता चलूं, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द केपी यूथ पॉलिसी जब ये 2013 में स्टार्ट हुई। एनबी की उस टाइम गवर्नमेंट के आखिरी महीने चल रहे थे तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। सो उनकी गवर्नमेंट पर चली गई, टेन्योर पूरा हो गया, देन पीटीआई आई एंड इट टुक देम 3 इयर्स टू पास दैट पॉलिसी from the assembly, और उन्होंने फिर प्रोसेस दोबारा किया। ऐसे में मेरा ख्याल है जो यूथ की खास तौर पे इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए पॉलिसीज हैं, डोंट यू थिंक दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिवनेस? आपके ख्याल में वो ज़्यादा अहम है या आपके ख्याल में कुछ और एवेन्यूज भी हैं पब्लिक पॉलिसी में जो आप समझते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूथ इन्वॉल्वमेंट, यूथ इंक्लूसिवनेस बढ़ाने के लिए? एग्जैक्टली जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी होगी, अभी खैबर पख्तूनख्वा काम कर रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर, दे आर वर्किंग। एक मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी होनी चाहिए जो कि नेशनल लेवल पर आए। फ्रेमवर्क पॉलिसी मेकिंग में सर यू नो बेटर कि फ्रेमवर्क हमेशा फेडरल गवर्नमेंट दे रहा है, फिर प्रोविंसेस उसको अपने जरूरत के मुताबिक एग्जैक्टली उसको टेलर करते हैं। लेकिन ये कि दिस प्रोसेस शुड स्टार्ट फ्रॉम द फेडरल लेवल और वी हैव द लीडरशिप जो कि करना चाहती है काम। वी हैव दैट कामयाब जवान प्रोग्राम, सो आई थिंक इट्स वेरी राइट टाइम कि एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, वी डोंट हैव दैट, वी डोंट हैव दैट, तो वो आएगी। प्रोविंसेस विल देन फॉलो सूट। और फिर तो इस तरह अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यंग पीपल शुड बी इन्वॉल्व। और सिर्फ पॉलिसी प्रोसेस में नहीं, आई डोंट स्टॉप देयर, पॉलिसी प्रोसेस में आप इन्वॉल्व करें।
give them a seat at the decision making table. Exactly. आप जो councils बना रहे हैं उस stakeholder बनाएं. Exactly. Young लोगों को बिठाएं क्योंकि वो उस decision making process का भी हिस्सा बने ताकि वो फिर ownership लें आपकी policies से. अच्छा ये बताएं कि foreign level पे international level पे what are the major क्या लें progressions going on in this area youth inclusion policy. You have the United Nations में भी जाके involved रहे हैं कुछ events भी आप जो youth inclusive public policy पे attend करके आए हैं वहाँ पे international level पे क्या feel है? International level पर तो सर अगर आप देखें तो Finland में 33 year की old world prime minister becoming the prime minister. Europe में this is all over the trend कि young लोग they are becoming either opposition leaders, member of parliaments. उन्होंने तो इतना एक इसको भी किया हुआ है. UK में they have a youth parliament which is so empowered कि वो they can hold the prime minister accountable. वो frequently meetings करते हैं अपने prime minister के साथ. वो अपने जो legislators हैं उनके साथ वो meetings करते हैं and their policies वो legislators तरह हुए हैं वो youth parliament कि their policies have a say. मैं अभी recently I was in Sri Lanka and मैं हैरान हो गया हूँ कि आपको पता है जो ये United Nations की जो youth envoy है Secretary General की जो youth envoy है they have she is a Sri Lankan girl जो currently United Nations Secretary General envoy on youth and she was part of the Sri Lankan Youth Parliament. She was a member of and they have a parliament which works which is actually a body that came after a legislation of the parliament so a youth parliament बनी है. And they this is what I think Pakistan may be is ki bahut zyada ahmiyat hai. We have youth parliaments but they are not compromised by the government. You think they are functional enough? Itni functional hai ki wo is level ki involvement ensure kar sakte. I have been part of these youth parliaments and assemblies and I have spearheaded projects by the name of youth parliaments but kyunki the government umbrella nahi hai uski government supervision nahi hai. So, वो जितनी भी बातें करते हैं वो सारी हवा में चलती हैं. Until and unless there is a conduit कि एक चैनल हो जिसके थ्रू उनकी जो काम है उनकी जो आवाज है वो गवर्नमेंट कॉरिडोर्स तक पहुंचे तो दिस कैन नॉट बी मेड. राइट जी थैंक यू एहसन वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन. आई थिंक हमारा जो मकसद मेन वो आप सबको मैसेज पहुंचाना है कि व्हाट आर द मेन इश्यूज रिलेटेड टू यूथ रिलेटेड टू आवर सोसाइटी और इस चैनल का मकसद भी ये है कि हम किसी तरीके से आपको उन उभरते हुए इश्यूज तक पहुंचा सकें उनके बारे में इश्यूज पे स्टेटस दे सकें जो आपके लिए हमारे लिए हमारे मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट है. मैं एक चीज़ का क्रेडिट भी देना चाहूँगा. हम इस वक्त इस्लामाबाद में लॉन्चपैड 7 का वेन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ वंडरफुल डे एंड यू कैन सी इन द बैकग्राउंड इस्लामाबाद इज अलाइव इज मूविंग ऑन. और थैंक यू सो मच लॉन्चपैड 17. थैंक यू सो मच एहसन वंस अगेन. थैंक यू सो मच व्यूअर्स to watch this video please share it with your friends comment karein aur subscribe karna mat bhule. Thank you so much. Thank you. Bismillah rahman rahim dosto main is waqt Ahsan Hamid Durrani ke sath hu aur Ahsan mere purane dost hain student bhi hain aur is waqt ye public policy think tank mein kaam kar rahe hain aur Ahsan ko humne invite kiya hai to discuss youth inclusive public policy उसकी क्या अहमियत है और उसके क्या एवेन्यूज है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. एसन व्हाट इज बेसिकली यूथ इंक्लूसिव पब्लिक पॉलिसी. थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर लॉन्चिंग सच एन ऑसम इनिशिएटिव और दिस वाज मच नीडेड खास तौर पे एक्नॉलेजिंग द रोल ऑफ यूट्यूब एंड सोशल मीडिया टू डिसेमिनेट नॉलेज. सो कमिंग बैक टू योर टॉपिक के यूथ इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और ये है क्या. तो सर इस वक्त एक ग्लोबल एक पैटर्न चल रहा है एक ट्रेंड चल रहा है कि जिसमें यंग लोगों को चांस दिया जा रहा है कि उन्हें पॉलिसी मेकिंग टेबल के ऊपर मौका दिया जाए कि उनके व्यूज और उनके पर्सपेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए पॉलिसी मेकिंग के अंदर. और इसकी ज़रूरत इस वजह से महसूस की गई है कि जो द इशूज एंड द प्रॉब्लम्स दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फेस्ड विद दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. बिल्कुल ठीक. और ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके स्कोप से ये चीज बाहर निकल गई है और वो चाह रहे हैं कि यंग लोग आए और फ्रेश आइडियाज बिल्कुल लेकर आए. मेन मकसद ये कि फ्रेश आइडियाज हो फ्रेश आइडियाज डिफरेंट आइडियाज हो डिसरप्टिव हो जो इनोवेटिव यूथ सेंट्रिक हो यूथ सेंट्रिक हो और जो क्योंकि दीज पॉलिसीज आर बेसिकली फॉर्मुलेटेड फॉर द फ्यूचर ऑफ दीज यंगस्टर्स. तो अगर इनकी से होगी इन पॉलिसीज में तो ये इसकी ओनरशिप लेंगे आगे जाकर. लेकिन पाकिस्तान के केस में अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान में इट्स वेरी नेसेंट
स्टेज पे है, बिल्कुल ठीक, और एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा और अभी एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है इसके लिए, ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत ज्यादा इसमें वो है, रिलक्टेंट है, जिजक फील करते हैं, पॉलिटिशियंस भी करते हैं, पॉलिटिशियंस में कुछ हद तक एक विल है करने, यंग पॉलिटिशियंस भी तो है, मैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो यंग पॉलिटिशियंस ज्यादा रिलक्टेंट। अच्छा, यस, ये व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट? इसके आई डोंट नो क्या साइकोलॉजिकल कोई उनकी अपनी एंजाइटीज हैं या कोई फियर्स हैं कि उन्हें ना रिप्लेस किया जाए, ये दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जो फील किया है, ठीक। लेकिन पॉलिटिशियंस में थोड़ी सी वो है, विल है, क्योंकि वो स्लोगन्स उन्होंने पॉलिटिकल जो मंत्रास और स्लोगन्स यूथ के लगाए होते हैं तो उनको भी उन्होंने बैकअप करना होता है, लेकिन ओवरऑल ये इसका लैंडस्केप है, ठीक। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में खासतौर पर कौन सी खास पॉलिसीज हैं जो यूथ इंक्लूसिव प्राइमरी लेवल पे होनी चाहिए, वो कौन सी है आपके ख्याल? सबसे पहले तो जो हमारी यूथ पॉलिसीज, जो प्रोविंशियल यूथ पॉलिसीज है, एक हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी थी जो कि फिर जो हमारी 18 अमेंडमेंट के बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन हुई है पावर्स की, तो उसके बाद फिर प्रोविंशियल यूथ पॉलिसीज बनी, 2016 में खैबर पख्तूनख्वा की यूथ पॉलिसी बनी, उससे पहले 15 या 14 में पंजाब की बनी थी, फिर सिंध की यूथ पॉलिसी अभी रिसेंटली आई है एक साल दो पहले, बलूचिस्तान ने अभी तक अपनी यूथ पॉलिसी नहीं बनाई, और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता चलूं, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द केपी यूथ पॉलिसी जब ये 2013 में स्टार्ट हुई, एनबी की उस टाइम गवर्नमेंट के आखिरी महीने चल रहे थे, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, सो उनकी गवर्नमेंट पर चली गई, टेन्योर पूरा हो गया, देन पीटीआई आई एंड इट टुक देम 3 इयर्स टू पास दैट पॉलिसी from the assembly, और उन्होंने फिर प्रोसेस दोबारा किया। ऐसे मेरा ख्याल है जो यूथ की खास तौर पे इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए पॉलिसीज हैं, डोंट यू थिंक दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिवनेस? आपके ख्याल में वो ज़्यादा अहम है या आपके ख्याल में कुछ और एवेन्यूज भी हैं पब्लिक पॉलिसी में जो आप समझते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूथ इन्वॉल्वमेंट, यूथ इंक्लूसिवनेस बढ़ाने के लिए? एग्जैक्टली जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी हो गई, अभी खैबर पख्तूनख्वा काम कर रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर, दे आर वर्किंग, एक मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी होनी चाहिए जो कि नेशनल लेवल पर आए, फ्रेमवर्क पॉलिसी मेकिंग में सर यू नो बेटर कि फ्रेमवर्क हमेशा फेडरल गवर्नमेंट दे रहा है, फिर प्रोविंसेस उसको अपने जरूरत के मुताबिक एग्जैक्टली उसको टेलर करते हैं, लेकिन ये कि दिस प्रोसेस शुड स्टार्ट फ्रॉम द फेडरल लेवल, और वी हैव द लीडरशिप जो कि करना चाहती है काम, वी हैव दैट कामयाब जवान प्रोग्राम, सो आई थिंक इट्स वेरी राइट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, वी डोंट हैव दैट, वी डोंट हैव दैट, तो वो आएगी, प्रोविंसेस विल देन फॉलो सूट, और फिर तो इस तरह अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, यंग पीपल शुड बी इन्वॉल्व, और सिर्फ पॉलिसी प्रोसेस में नहीं, आई डोंट स्टॉप देयर, पॉलिसी प्रोसेस में आप इन्वॉल्व करें, give them a seat at the decision making table, exactly, aap jo councils bana rahe hain us stakeholder banaye, exactly, young logo ko bithaye kyunki wo us decision making process ka bhi hissa bane taki wo fir ownership le aapki policy se. Acha ye bataye ki foreign level pe, international level pe, what are the major progressions going on in this area, youth inclusive policy? You have the United Nations में भी जाके involved रहे हैं, कुछ events भी आप जो youth inclusive public policy पे attend करके आए हैं, वहाँ पे international level पे क्या feel है? International level पर तो सर अगर आप देखें तो Finland में 33 year की old world prime minister becoming the prime minister, Europe में this is all over the trend कि young लोग they are becoming either opposition leaders, member of parliaments, उन्होंने तो इतना एक इसको भी किया हुआ है। UK में they have a youth parliament which is so empowered कि वो they can hold the prime minister accountable, वो frequently meetings करते हैं अपने prime minister के साथ, वो अपने जो legislators हैं उनके साथ वो meetings करते हैं, and their policies वो legislate इस तरह हुए हैं वो youth parliament कि their policies have a say. मैं अभी recently I was in Sri Lanka and मैं हैरान हो गया हूँ कि आपको पता है जो ये यूनाइटेड नेशंस की जो यूथ इन्वॉय है, सेक्रेटरी जनरल की जो यूथ इन्वॉय है, दे हैव, शी इज अ श्रीलंकन गर्ल जो करंटली यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल इन्वॉय ऑन यूथ, एंड शी वाज पार्ट ऑफ द श्रीलंकन यूथ पार्लियामेंट, शी वाज अ मेंबर, एंड दे हैव अ पार्लियामेंट व्हिच वर्क्स व्हिच इज एक्चुअली अ बॉडी दैट केम आफ्टर लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट, सो एक यूथ पार्लियामेंट बनी है,
And I think Pakistan mein bhi iski bahut zyada ahmiyat hai. We have youth parliaments, but they are not compromised by the government. You think they are functional enough? Itni functional hai ki wo is level ki involvement ensure kar sakte. I have been part of these youth parliaments and assemblies, and I have spearheaded projects by the name of youth parliaments. But kyunki the government umbrella nahi hai, government supervision nahi hai. So वो जितनी भी बातें करते हैं वो सारी हवा में चलती हैं. Until and unless there is a conduit, कि एक चैनल हो जिसके थ्रू उनकी जो काम है, उनकी जो आवाज है, वो गवर्नमेंट कॉरिडोर्स तक पहुंचे, तो दिस कैन नॉट रिमेन. राइट जी, थैंक यू एहसन, वाज अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन. आई थिंक हमारा जो मकसद मेन वो आप सबको मैसेज पहुंचाना है कि व्हाट आर द मेन इश्यूज रिलेटेड टू यूथ, रिलेटेड टू आवर सोसाइटी. और इस चैनल का मकसद भी ये है कि हम किसी तरीके से आपको उन उभरते हुए इश्यूज तक पहुंचा सकें, उनके बारे में इश्यूज पे स्टेटस दे सकें जो आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट है. मैं एक चीज़ का क्रेडिट भी देना चाहूँगा, हम इस वक्त इस्लामाबाद में लॉन्चपैड 7 का वेन्यू इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड दिस इज़ अ वंडरफुल डे, एंड यू कैन सी इन द बैकग्राउंड इस्लामाबाद इज अलाइव, इज मूविंग ऑन. और थैंक यू सो मच लॉन्चपैड 17, थैंक यू सो मच एहसन वंस अगेन, थैंक यू सो मच व्यूअर्स. To watch this video, please share it with your friends, comment करें और subscribe करना मत भूलें.